हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर। मैं इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा दसवीं की बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है गोदोली, उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग छठवें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको यह स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है कि हम लोग आधे चैप्टर को छोड़कर आधे वीडियो फर्स्ट पार्ट को हमने अपलोड कर रखा है। अगर फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को पहले देखें, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अभी से पहले हमने बात करा था कि किशोर जो था उसको डांट कर अलग कर रहा था, क्यों कर रहा था, और उसको पीटा भी था। और इसलिए वह पीटा था क्योंकि वह किसी कारण से शाम को साइकिल साफ करने को कहा था बहादुर को, और वो नहीं कर पाया था, जिसके कारण वह इस तरह से मार खा रहा था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी। यहां से अब हम लोग अपने कहानी को बढ़ाते हैं, देखिए कहता है कि किशोर ने उसे मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से मना कर दिया। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। और इतने पे उनकी माँ आ जाती है और कहती है, किनकी माँ, तो ये किशोर की माँ, और कहती है कि चल तुम क्या, इसी वजह से तुम्हारी माँ तुमको मारती होगी, चलो तुम रोटी बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिकवाती थी। वह रोने लगा, वह ऐसा कर कर क्या करने लगा, वह रोने लगा कि जो मेरी माँ थी वो भी मुझसे रोटी सिकवाती थी। यहाँ भी आप वहीं कराना चाह रही हैं, तो मैं क्या तेरी माँ ही हूँ। तू मुझसे जीत कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रंग दूंगी। जो राइटर की पत्नी वो कहती है, यानी लेखक की जो पत्नी वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ कि तुम मुझसे जीत कर रहे हो। तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ और तुम घर के लड़कों के बराबर कर रहे हो, चलो रोटी बना, नहीं तो मारते मारते मुँह रंग दूंगी, ऐसा उसको सुनने को मिला। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं माना, रात भर वह भूखा ही रहा। वह रात भर क्या रह गया, वह भूखा ही रह गया। चलिए आगे पॉइंट पे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी, अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा, फिर रात की बची हुई सब्जी से उसे खाना खा लिया। जो रात की बची हुई सब्जी थी उससे वह क्या कर लिया, खाना खा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से कहता है, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, वह उसको कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई गलती होती थी तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। कभी कभी अगर एक गलती होती थी तो वे दोनों इसको मारते थे, घर में जो दो इसको मारने वाले व्यक्ति हो गए थे। आगे की बात करें तो देखिए यहाँ से कहता है कि बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा, लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो वह क्या करेगा, अपना पैसा लेता जाएगा। यह लेखक ऐसा बोल दिए थे बहादुर को। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता, पर बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी, शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। जो बहादुर था उससे गलतियां ज़्यादा होने लगी थी, लेकिन इसका कारण पता नहीं चल रहा था, लेकिन इसका कारण यही निकल रहा था कि शायद उसको मारपीट ज़्यादा होने लगी थी और गाली गलौज भी होने लगा था। मैं कभी कभी उसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लग जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए कहता, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए,
वह बीवी बच्चों के साथ थे, वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई, देखिए यहाँ से कहता है कि अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चरपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। जो कागज फर्श पर गिरा हुआ था उसको वह जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा, यानी लेखक पूछे कि क्या बात है, रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खुट से निकलकर यही चरपाई पर रखे थे पर वे मिल नहीं रहे, आपको ठीक याद है ना। मतलब कहती है कि आप मेरे साड़ी के खुट का मतलब यहाँ पे कोरा कह सकते हैं, साड़ी का जो कोर होता है ना उसमें वही 11 रुपया बांधी हुई थी और वह खोल कर बोल रही है कि मैंने निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे। तो लेखक इस पे कहते हैं, आपको ठीक याद है ना। हाँ हाँ खूब अच्छी तरह, वह बोलती है कि हाँ हाँ कुछ खूब अच्छी तरह, ये रुपये मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था, फिर वे रुपये चरपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मांग लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। यह कौन बोल रहा है, जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनकी पत्नी। आगे बढ़ी तो देखिए यहाँ से कहता है कि रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती, किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता, बताइए अब तो मैंने कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा फिर तेजी से बाहर चला गया था। यानी यह जो बीवी थी, जो पत्नी थी रिश्तेदार की, वह लेखक से कहती कि जरा वह जो खड़ा था ना लड़के, उससे जरा पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक खड़ा भी था और फिर वह तेजी से बाहर भी चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यानी लेखक है कि नहीं नहीं वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैंने उसे कहा, उस पत्नी को जो राइटर जो रिश्तेदार की पत्नी थी। देखिए यहाँ से आगे बढ़िए तो कहता है कि यू डू नॉट दो फिलिस, पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप नोट भी कर लेंगे। यू डू नॉट दो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर क्या कर रहा था, आठा गुथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो किया भी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। कहता है कि लेखक कहते हैं कि मैंने तो उसको तिरछी दृष्टि से देखा, लेकिन बेचारा वो ऐसा था नहीं, लेकिन जब वह कोई दूसरे व्यक्ति किसी पे अल्जाम लगाते हैं तो उसके दिल का कोई कैसे जान सकता है कि उसके दिल में क्या है, कब क्या कर सकता है। और इस बात को वह उन्होंने अचानक इस बात से उन्होंने अनभिज्ञ होकर अचानक उनके मन में गुस्सा आया और गुस्सा आने पर देखिए वह क्या कहते हैं, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, मैंने उसको चिल्लाया और कहा कि बड़े कड़े स्वर में कि बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। तो उधर से वह जवाब देता है, जी बाबूजी, तो वो इधर आओ, या बोलते हैं लेखक इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैंने तो बाहर नमक लेने गया था,
मैं तो बाहर नमक लेने गया था। वो कौन बोलता है? वह जो बहादुर है वह बोलता है कि नहीं भाभी जी या नहीं मैडम, हम आपका पैसा नहीं लिए हैं, मैं तो नमक लेने बाहर गया था, आपका जो पैसा था हम उसको देखा भी नहीं। चलिए आगे के पॉइंट्स देखिए, समझते हैं। तो यहाँ कहता है कि सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, यानी पुलिस के हाथे दे दूंगा या पुलिस को सौंप दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा और इतना कहकर मैंने चिल्ला पड़ा उस पर, मैंने नहीं लिया बाबूजी। वह बार बार रिपीट करता रहा कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था, बहादुर का जो मुंह था वह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। क्या कर दिया मैंने? उसके गाल पे एक तमाचा जड़ दिया गुस्सा में आकर। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा, और मैं ऐसा इसलिए किया कि शायद वह बता दे कि पैसा वह लिया है या नहीं। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया और वह उसने कहते रहा कि मैंने पैसा नहीं लिया है। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। यानी उसको घसीट कर ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम, उसके कान में धीरे से आवाज़ से कहते हैं कि देखो अगर तुम पैसा ले गए हो तो तुम बताओ, ज़रा तुम बताओ, मैं तुम्हें इनाम में 2 रुपया दे दूंगा, 2 रुपया क्या करूंगा दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया, पर बहादुर तो लिया ही नहीं था तो कहाँ से वह कहता। तो बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाग होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। ये चलिए, इतना नुकसान लिखा था। यानी इतना जो यहाँ से बात बोल रही है, ये लेखक नहीं सॉरी यह रिश्तेदार की पत्नी बोल रही कि मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, नौकर को, ये भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं, इतना तो नुकसान मेरा लिखा था तो ऐसा हो गया। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इसके घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मल आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। यानी यहाँ से कहते हैं कि एक दिन की बात है कि जब मैं अपने दफ्तर से लेट से आया तो वहाँ पे देखा कि मेरी पत्नी जो निर्मला है आंगन में चुपचाप से सर पे हाथ रखकर बैठी हुई है और उसके पास कोई लड़का का पता नहीं है, लेकिन लड़की उसके पास ही बैठी थी। घर में अंगीठी भी अभी नहीं जली थी, आंगन बर्तन सब भी गंदे थे, मले हुए नहीं थे, जैसे घर लग रहा था कि कुछ काटने को दौड़ रहा है। क्या बात है, मैंने गया और पूछा क्या बात है। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्या बताऊँ, मेरे किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया हो।
उसका जो जूता था, उसका कपड़ा था और उसका जो बिस्तर था, वह सभी को छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा, पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पनाह उड़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, और वे ग्यारह रुपये। अरे वह सब झूठा है, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या, देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अवैसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। ये सभी अपने मन की बात यहाँ पे अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यानी इनके मन में यह छोटे छोटे बात, इनके मन में ऐसा अनुभव होने लगा कि शायद मैंने भी उसको मारा था, अगर उसे नहीं मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजरें दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़, खिनाव आदि इसी तरह के वहां पे मिला और कुछ नहीं मिला। तो उम्मीद है आपका यह आज का यह जो सीरीज था वह कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। अगर इसी तरह के आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।